खालीपन, डर है मेरा। क्या अजीब डर है, लोगों को भूत से, मौत से, छिपकली से और न जाने कितनी डरावनी चीजों से डर लगता है, और एक मैं हूं जिसे खालीपन से डर लगता है। अब डर लगे भी क्यों नहीं, एक तो उम्र ऐसी कि हर तरफ से कुछ ना कुछ बनने का दबाव, हालांकि सबसे ज्यादा दबाव खुद के सपनों का है, लेकिन फिर भी। तो इस दबाव के चलते मैं खाली बैठने का सोच भी कैसे सकता हूँ, समय की बर्बादी के अलावा और है क्या खालीपन में। लेकिन समय की बर्बादी तो जब मैं अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हूँ तब भी होती है, पर मुझे उससे तो डर नहीं लगता। क्या मुझे खालीपन से सच में डर लगता भी है? शायद हाँ, जब घर से मेट्रो स्टेशन तक के उस 7 मिनट के सफर के लिए भी मैं रिक्शे में खाली ना बैठने के लिए कान में ईयरफोन्स लगा के गाने सुन सकता हूँ, या जब कुछ ना करने को तो भी कुछ ना कुछ ढूंढते रहना जिससे वो खालीपन दूर हो जाए। अब ये डर नहीं है तो और क्या है। वैसे मेरे पास खालीपन से भागने के ढेर सारे नुस्खे भी हैं। खाली बैठे हो, कहानी पढ़ लो, कहानी नहीं है गाने गा लो, गाना नहीं आता तो सो जाओ, नींद भी नहीं है कोई बात नहीं फोन चला लो, फोन में बैटरी नहीं है एक काम करो सब छोड़ो दिमाग चला लो, इसमें तो कोई मेहनत भी नहीं, लेटे लेटे चला सकते हो। लेकिन क्या ये सब करना मेरे लिए अच्छा है? क्योंकि जिस वजह से मैं खालीपन से डरता हूँ, यानी समय की बर्बादी, ये सब करने से भी तो वही हो रहा है। और अगर प्रोडक्टिव हूँ भी तो ऐसी प्रोडक्टिविटी का फायदा क्या जो डर के कारण हो रही है? आखिर मज़ा तो तब आए जब प्रोडक्टिविटी डर से नहीं मन से हो, कुछ करने की चाह से हो। और शायद खाली रहना ज़रूरी भी है, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी मन की शांति के लिए अच्छा होता है। वैसे भी ये दिमाग बोलता बहुत है, कभी खाली रहेगा तो इसे भी सुकून मिलेगा और मुझे भी, क्योंकि हर वक्त दिमाग तो उस तालाब की तरह ही रहता है जो बाहर से बहुत शांत दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर की सच्चाई वो तो केवल वो तालाब ही जानता है, जिसके भीतर न जाने कितनी जातियां पनप रही होंगी और कितनी हलचल कर रही होंगी, केवल वो तालाब ही जानता है।